युगजाई से मिला उससे बहुत पहले से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये पहली बार मुझे तब मिला था जब ये खुद पहली बार इंडिया आया था। ये देखिए, मैंने आपको और कुछ फोटोज भेजे। ये सब क्या है युग? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें युग। हमने तुम्हें परिवार की तरह समझा और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। ओम, ये सब झूठ है, बकवास है। ये मैनिपुलेटेड मॉक फोटोग्राफ्स मैं चाहूं तो एक सेकंड में हजार बना सकता हूं। मुझे नहीं पता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन भगवान के लिए अपना ये घटिया तमाशा कहीं और लेके जाओ। युग ठीक कह रहा है मॉम, ये फोटोज मॉफ भी हो सकते हैं। ठीक है, पिक्चर्स मॉफ हो सकती है, लेकिन मैसेजेस तो नहीं ना। मेरे पास कुछ मैसेजेस है, पुरानी मैसेजेस, क्योंकि आई एम श्योर तुमने तो अपने फोन में सारे पिक्चर्स सारे मैसेजेस हाइड करके रखे होंगे, है ना? देखिए, मैंने आपको कुछ मैसेजेस भेजे। आयरा, आई लव यू, आई कैनॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आयरा, मेरा बस चले तो तुमसे कल ही शादी कर लूं। आयरा, इस हफ्ते मैं बहुत बड़े पॉलिटिशियन सत्य राजवड़कर से मिलने जा रहा हूँ। मेरी जान मेरी जान, मुझे ऑल द बेस्ट तो बोल दो। और ये देखने से तो लग रहा है कि ये सारे मैसेजेस अपन लोग के मिलने के पहले के। ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में जिससे मैसेजेस मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन पुरानी तारीख के मैसेजेस बना के उन्हें फोन में कैसे डाला जा सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या क्या छुपाओगे युग? सच को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। सच को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन एक नया सच पैदा जरूर किया जा सकता है। जब तक युग को होश आएगा, उसकी जिंदगी में मैं कुछ नए पन्ने जोड़ चुका हूंगा जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता होगा। ये कमाल की हैकिंग टेक्नोलॉजी है बाबा। ये सब आप, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अपने मिशन पे फोकस करो तुम। क्लियर? क्यों किया तुमने युग ऐसा? फोटोज झूठे हो सकते हैं, ये मैसेजेस भी झूठे हैं युग। क्यों किया तुमने जई के साथ ऐसा? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, इसने ये कैसे किया, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं मॉम, ना तो मैं इससे प्यार करता हूं, ना मैंने इसे कभी शादी की है। मेरे को एक बात समझाओ ना, अगर ये युग तुम्हारे से प्यार करता है तो फिर जाई से शादी क्यों कर रहे हो? आपकी वजह से। सर, आपने युग को एक डील दी थी ना कि अगर वो जई से शादी करेगा तो आप उसे भारत में उसका बिजनेस सेटअप करने के लिए हेल्प करेंगे। तो बस, बिजनेसमैन है ना युग, शादी करेगा जई से लेकिन प्यार मुझसे करता है। आगे और क्या क्या है तुम्हारी इस फिल्म की स्क्रिप्ट में? युग ने कहा था
इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो उसका फायदा तो उठाना चाहिए ना। शादी का क्या है, वो तो किसी से भी हो जाएगी, लेकिन प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ आयरा। मैम, आपका फैन बनकर यहाँ आने का आइडिया भी इसी का था। इसी ने मुझसे कहा था कि उनसे मिलो, उनकी फैन बनकर, और फिर उसके बाद उनकी पीए बन जाना। और मैम, उसके बाद जब सब प्लान के मुताबिक होने लगा ना, तो इसने भी यहीं आके रहने का प्लान बनाया ताकि हम दोनों नजदीक रह सके। अब से जई ने कहा था ना कि आप युग को यहाँ बुलाए रहने के लिए। क्या हम युग को यहाँ नहीं शिफ्ट करवा सकते हैं? आप कुछ करिए ना प्लीज। ठीक है, वैसे भी वो आधे से ज्यादा टाइम तो यही होता है। और जई, इसने तुरंत हाँ भी कर दी थी, है ना? जय, आई एम सो सॉरी, लेकिन यू कभी तुम्हें इंटरेस्टेड था ही नहीं। अच्छा, तुम ही मुझे बताओ, कभी यू के बर्ताव से तुम्हें ऐसा लगा कि उसे तुमसे उतना ही प्यार है जितना तुम्हें है उससे? So cute you're looking. क्या कर रही हो तुम? मंदिर में है ना? सही, मैं क्या कह रहा था, डिनर ऑर्डर कर लेना चाहिए। आप सो वरिड फेम। सही, कैन यू प्लीज लीव मी अलोन? शोक, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात? सही, प्लीज। गलत, ये भी गलत। मैं जई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे थोड़ा केयरफुल इसमें रहना पड़ता है क्योंकि पापा और मॉम की एक पब्लिक लाइफ है, उनकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करते हुए चलना पड़ता है मुझे, और कुछ भी नहीं। तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। मानेगा नहीं आप लोगों के सामने, आप लोगों को नाराज जो नहीं करना चाहता। डील का सवाल है ना उसकी। अपनी बकवास बंद करो। झूठ बोल के क्या मिल जाएगा तुम्हें? चुप हो जाओ। नहीं, नहीं होंगी मैं चुप। तुम मुझसे प्यार करते हो, हमारी शादी हुई है, और अब तुम जई से शादी नहीं कर सकते। बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है? जिससे भी मैं प्यार करती हूँ वो सब मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? जई, मॉम, ये शादी ऐसे जल्दी, आई मीन मुझे नहीं करना। बाबा, ये किस सड़क चार लड़की, आपको कोई अंदाजा नहीं है चल के आ रहा है? इसने युग के साथ। अभी बहुत हो गया है, ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए, और जो सच है ना वो साफ साफ बोलने का। ये आयरा से शादी करी है कि नहीं? पापा, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ, ना मैंने इसे कोई शादी करी है। तो फिर वो फोटो, मैसेज, वो सब क्या है? सब झूठ है। और ये काई के लिए झूठ बोलेगी? इसको क्या मिलने वाला है? मुझे नहीं पता पापा। आयरा, अभी क्या, अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ना मैंने तुमसे कभी शादी करी। जस्ट लीव। प्यार तो तुमने किया और शादी भी। मेरे पास इस बात का सबूत है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है? है? नहीं ना, शादी तो हम दोनों की हो चुकी है, तो अब या तो आप लोग मुझे यहाँ मेरे पति के साथ रहने दो, या मैं मेरे पति को यहाँ से ले जाऊंगी।
अगर ये योग यहाँ से चला गया तो इस नाटक के लिए सॉरी है क्या, पर तेरी वजह से ही मुझे इस घर में जगह मिल सकती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।